हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाओ मन लगा के। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज डिजीज एंड हाइजीन। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी और डिस्कस कम्युनिकेबल डिजीजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। दोज डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। मतलब क्या, वे डिजीजेस जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है, ठीक है, किसकी वजह से, माइक्रोब्स की वजह से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, वॉर्म्स एट्सेट्रा, तो वैसे डिजीजेस को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि मलेरिया, निमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, एलिफेंटियासिस एट्सेट्रा। दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, तो ये हमने देखा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं, देखेंगे स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे स्प्रेड होता है, ठीक है। ओके, देर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड वॉट आर द पॉइंट्स थ्रू कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड। नंबर वन पॉइंट, वी गेट सच इन्फेक्शंस थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट, कट्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, फ्लाइज एट्सेट्रा। कम्युनिकेबल डिजीज के फैलने का फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि ये जो इन्फेक्शंस है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज के जो इन्फेक्शंस हैं, ये एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू भी होता है, फूड के थ्रू भी होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी कि किसी को टच करते हैं उससे भी होता है, बॉडी में कोई कट हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हो सकता है, और कुछ मॉस्किटोज और फ्लाइज भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स एट्सेट्रा, है ना। कभी कभी जिस पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है ना, किसी को चिकनगुनिया है, किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस है, किसी को टाइफाइड है, ठीक है, तो अगर हम उस इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने हमें छू दिया या हमने डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर दिया, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो हमें हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हमने देखा दो पॉइंट, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पॉइंट, टचिंग एंड शेयरिंग आइटम्स लाइक टॉवल्स, हैंडकरचीफ्स, कॉम्स, यूटेंसिल एट्सेट्रा ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, जिस पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उस पर्सन के अगर हम आइटम्स को टच करते हैं या उसके आइटम्स को हम यूज करते हैं या शेयर करते हैं, जैसे कि टॉवल्स हो गया, हैंकरचिप्स हो गया, कॉम्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, तो उससे भी हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, मेनी इंटेस्टिनल डिजीजेज आर स्प्रेड बाय द इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली और आर वॉश्ड विथ कॉन्टामिनेटेड वाटर। बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसे हैं जो फ्रूट या वेजिटेबल्स को सही से नहीं धोने पर होता है, ठीक है, या हम उसको गंदा पानी से धो देते हैं, यानी कॉन्टामिनेटेड वाटर से अगर उसको हम वॉश करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, ठीक है, जॉन्डिस, ये सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो आपको कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मॉस्किटोज वाइल फीडिंग ऑन द ब्लड ऑफ अ मलेरिया पेशेंट गेन द जर्म्स इन देयर बॉडीज एंड गेट देम ट्रांसफर्ड इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अ हेल्दी पर्सन हुम दे बियॉन्ड। अब हम एक बात करते हैं, मलेरिया डिजीज की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है, मॉस्किटोज ही तो रिस्पॉन्सिबल है। वो मॉस्किटो क्या करता है, किसी पर्सन को उसने काटा, जो मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया डिजीज के लिए, उसने एक पर्सन को काटा और काटने के बाद उसका जो जर्म्स है उसने अपने बॉडी में कैरी कर लिया, और कैरी करने के बाद हेल्दी पर्सन के बॉडी
के ब्लड में क्या करता है, वो जाकर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उस पर्सन को मलेरिया डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, और मलेरिया डिजीज़ के बारे में ऐसे हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, या तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होता है। नाउ, टीबी, कॉमन कोल्ड एट्सेट्रा स्प्रेड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग ड्रॉपलेट्स। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि टीबी की बात करें, कॉमन कोल्ड की बात करें, ये स्नीजिंग कफिंग की वजह से होती है ना। उसमें जो जम्स होगा वो एयर के थ्रू हमारे बॉडी में आएगा, और उसके बाद क्या होगा, हमें ट्यूबरक्यूलोसिस या कॉमन कोल्ड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम रिसेंटली बात करें तो कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस भी तो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसी में और एक पॉइंट और है, हाउस फ्लाइज कैरी जर्म्स फ्रॉम गार्बेज एंड सीवेज एंड डिपॉजिट देम ऑन फूड, अ पर्सन विल गेट इन्फेक्टेड इफ ही ईट्स सच कंटामिनेटेड फूड। हाउस फ्लाइज भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, जर्म्स को कैरी करते हैं, ये कूड़े कचरे पे बैठे होते हैं और वहाँ से जम्स को कैरी करेगा, और कैरी करने के बाद ये अगर हमारे फूड पे बैठ जाती है, हमारे वाटर पे आके बैठ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो और उस कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे हम क्या होंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे और हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण क्या है, कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होता है। ठीक है, ओके, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसे हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आज हमें पता भी चल जाएगा, और हमारा पर्पस यही है कि आपको सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में शॉर्ट नॉलेज हो, कि क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और उसको हम लोग कैसे इलाज कर सकते हैं, उसका कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं सारे आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ को बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में जितना हो पाएगा वो ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे सम कम्युनिकेबल डिजीजेज बाय पैथोजेंस, पैथोजेंस की वजह से कौन कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। पैथोजेंस मतलब क्या, डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि आपको वायरस, दीज ऑल आर दी पैथोजेंस। ठीक है, तो नंबर वन पॉइंट इज डिजीज़ कॉज्ड बाय वॉर्म्स, वॉर्म्स की वजह से कौन कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। नंबर वन इज एलिफेंटियासिस, ओके, इस डिजीज़ के बारे में आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, और नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एलिफेंटियासिस क्या होता है, कैसे होता है ना, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका इलाज क्या है। ओके, ऑल्सो नोन एज फाइलरियासिस, एलिफेंटियासिस को फाइलरियासिस भी बोलते हैं। अ पैरासाइटिक डिजीज दैट अफेक्ट्स द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स, एक पैरासाइटिक डिजीज है ना, जो क्या होता है, हमारे लिम्फ नोड्स को और लिम्फ वेसल्स को अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करेगा, प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से हमें एलिफेंटियासिस डिजीज हो जाता है। इट्स स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस पैरासाइट की वजह से होता है, तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने की वजह से एलिफेंटियासिस डिजीज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने देखा, अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इट्स सिम्टम्स आर हाईली सुलेन लेग्स, इसका लक्षण क्या, कैसे हमें पता चलेगा कि इस पर्सन को जो है वो एलिफेंटियासिस है, तो इसका जो सिम्टम्स है वो हाईली सुलेन लेग्स, इसमें पैर बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, इट्स ट्रीटमेंट आर एंटी फाइलेरियल ड्रग्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, तो इसका इलाज है कि हमें एंटी फाइलेरियल ड्रग्स लेना होगा, यानी ऐसा दवा लेना है जो इस डिजीज़ में हमारा हेल्प कर सके। ठीक है, और हमें अपने आप को मॉस्किटो बाइट से प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हमने एलिफेंटियासिस देख लिया, अब हम लोग देखेंगे एस्केरियासिस, एस्केरियासिस क्या होता है। अ डिजीज कॉज्ड बाई अ पैरासाइट नेम्ड एस्कारिस लुम्बेरियो कोइड्स लिव्स इन द इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड। एस्केरियासिस ये एक ऐसा डिजीज़ है जो किस पैरासाइट की वजह से होगा, उस पैरासाइट का नाम है एस्कारिस लुम्बेरियो कोइड्स, और ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और ये हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी हमने जो भी खाना खाया जो पच गया
उसको इसमें क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये खुद स्ट्रांग होता जाएगा और हमें वीक करता जाएगा। इट स्प्रेड्स और ट्रांसमिट्स ड्यू टू अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन विच द एग्स ऑफ दिस पैरासाइट्स आर प्रेजेंट। अब इसके फैलने का कारण क्या है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इसका मेन कारण है, अगर हमने मार्केट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाया है, ठीक है, उस पर क्या होता है, इस पैरासाइट का, जो हमने जिस पैरासाइट का नाम लिया एस्कैरिस लुम्बेरिकोइड्स, इसके एग्स उस पर बैठे होते हैं, उस पर चिपके होते हैं। अगर हम उसको सही से वॉश नहीं करें, सही से उसको फ्रेश वाटर से धोकर नहीं खाएंगे, तो हमें ये डिजीज़ हो सकता है। तो हमें मार्केट से जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना चाहिए, खाने से पहले, कंज्यूम करने से पहले, उसे अच्छे से साफ पानी से धोना चाहिए, ठीक है। ओके, ये हो गया। आगे हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इट्स सिम्टम्स आर एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एट्सेट्रा। इसका सिम्टम्स क्या है, पेट दर्द बहुत ज़्यादा होगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टी होगी। इट्स प्रिवेंशन इज क्लीन वाटर एंड फूड, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेसिस। देखिए, इसका इलाज यही है कि हमें साफ पानी पीना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए, है ना, क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेसिस। फेसिस मीन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा, हमें इनका सही से डिस्पोजल करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिजीज़ की बात करते हैं, टैनियासिस, अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय टेप वॉर्म फाउंड इन द इंटेस्टाइन, वेयर इट आल्सो अब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड एंड अफेक्ट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जो किसकी वजह से होता है, टेप वॉर्म की वजह से होता है, और ये टेप वॉर्म हमारे इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पर यह भी क्या करेगा, हमारे डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को ही क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है और हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय ईटिंग इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट, स्पेशली बीफ और पॉर्क दैट कंटेन्स टेप वॉर्म एग्स। अब हम इसकी बात करें तो ये जो डिजीज़ है, इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, तो अगर हम सही से मीट को पकाकर नहीं खाते, खासतौर पर बीफ और पॉर्क की बात करें, बीफ फ्लेश ऑफ काउ, पॉर्क फ्लेश ऑफ पिग, ठीक है, अगर मीट को सही से पकाकर नहीं खाया जाता है, ठीक है, तो उस पर मीट पर क्या होता है, टेप वॉर्म एग्स होते हैं, उसको सही से धोएंगे नहीं, सही से नहीं पकाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये डिजीज़ हमें हो सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, इट्स सिम्टम्स आर स्टमक पेन, लॉस्ट एपेटाइट, वेट लॉस एट्सेट्रा। इसका लक्षण क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, स्टमक पेन है, लॉस्ट एपेटाइट, यानी कि स्टमक पेन यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हमारा पाचन शक्ति स्ट्रांग नहीं होगा, वेट लॉस डे बाई डे हमारा वेट क्या होगा, लॉस होते जाएगा। इट्स ट्रीटमेंट आर ईटिंग प्रॉपरली कुक्ड फीड, मेडिकेशन टू किल वॉर्म्स। इसका इलाज है कि हमें सही से मीट को धोकर खाना चाहिए, मीट को सही से पकाकर खाना चाहिए, और जो वॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए, उसका सही से हमें मेडिसिन लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय वॉर्म्स। अब हम वो देखेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय वेक्टर्स, वेक्टर्स की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वेक्टर्स होता क्या है। वेक्टर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैरी जर्म्स फ्रॉम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बट देमसेल्व्स डू नॉट गेट द इन्फेक्शन, एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज एट्सेट्रा। वेक्टर्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जर्म्स को कैरी करने का काम करेगा, यानी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से जर्म्स को कैरी करेगा, लेकिन खुद ये इन्फेक्टेड नहीं होगा, इनको खुद इन्फेक्शन नहीं होता। जैसे कि हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, ये कूड़े कचरे पर बैठे होते हैं, है ना, कॉन्टेमिनेटेड वाटर पर बैठे होंगे, जो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, वहाँ पर ये बैठे होंगे, इन्फेक्शन को कैरी करेगा, जर्म्स को कैरी करेगा, लेकिन ये खुद इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज हो गया, हाउस फ्लाइज हो गया, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स की वजह से कौन कौन सा डिजीज़ होता है। तो आपका फर्स्ट डिजीज़ है मलेरिया। मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिटेल में सारे डिजीज़ को देखेंगे, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि मलेरिया क्या होता है, मलेरिया का कारण क्या है, है ना, और हम देखेंगे कि मलेरिया का इलाज क्या है, मलेरिया के सिम्टम्स क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ मलेरिया, अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन प्लास्मोडियम विच इंटर्स द ह्यूमन बॉडी। ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है ना,
मॉस्किटो बॉर्न डिजीज इसलिए कहा गया क्योंकि मॉस्किटो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो कैसे फैलता हमारे बॉडी में होता कैसे है, प्रोटोजोआ की वजह से। जो प्रोटोजोआ का नाम है प्लास्मोडियम, ये हमारे ह्यूमन मतलब हमारे बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। हमारे बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। और आप देखोगे कि ये फीमेल मॉस्किटो या कि एनोफिल्स मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। यानी कि अगर मलेरिया की बात करें तो मलेरिया क्या एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है ना, जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। और जब ये मॉस्किटो काटेगा तो हमारे बॉडी में प्रोटोजोआ को एंटर करा देगा, जिस प्रोटोजोआ का नाम है प्लास्मोडियम, और उसकी वजह से हमें ये मलेरिया डिजीज़ हो जाता है। इट्स सिम्टम्स आर हाई फीवर, वॉमिटिंग, हेडक, चिल्स एट्सेट्रा। इसका सिम्टम्स क्या है, इसका सिम्टम्स है हाई फीवर, बहुत तेज बुखार होगा, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होंगी, हेडक, सिर दर्द होगा, चिल्स यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, है ना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और इट्स प्रिवेंशन इज मॉस्किटो नेट्स, क्लोरोक्वीन, मॉस्किटो रिप्लेंट एंड कंट्रोल। यानी कि इसका इलाज यही है कि हमें अपने आप को मॉस्किटो से बचा के रखना होगा। इसके लिए भी मॉस्किटो नेट्स यूज करना चाहिए, यानी मच्छरदानी यूज करना चाहिए। कुछ मेडिसिन्स है जैसे क्लोरोक्वीन, ये मेडिकेशन हमें यूज करना होगा। मॉस्किटो रिप्लेंट्स एंड कंट्रोल, है ना, जितने भी ऐसे चीज़ हैं जिससे हम अपने आप को मॉस्किटो से बचा सकते हैं उन सबको हमें यूज करना होगा, है ना। यानी कि जैसे हम बात करें कि मॉस्किटो कॉइल होता है, ठीक है, ओडोमोस होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें यूज करना है जिससे मॉस्किटो से अपने आप को बचा सकें। नाउ नेक्स्ट वन इज डेंगू, ये भी एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज विच इज़ कॉज बाय अ डेंगू वायरस दैट इज DNV थ्रू द बाइट ऑफ एन एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। ये भी एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो किसकी वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है। और इसके लिए कौन सा मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यानी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो अगर काटता है किसी को तो कौन सा डिजीज़ होगा, डेंगू डिजीज़ होगा। नाउ इट्स सिम्टम्स बिगिन 3 to 14 days आफ्टर इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग हाई फीवर, हेडेक, मसल एंड ज्वाइंट पेन, स्किन रैसेस एट्सेट्रा। इसका इलाज क्या है, मतलब इलाज से पहले हम लोग इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं कि इसका सिम्टम्स जो हैं वो इन्फेक्शन के 3 to 14 days के बाद दिखना शुरू हो जाता है। और इन्फेक्शन जब होगा तो कौन सा सिम्टम्स होगा, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल पेन, ज्वाइंट पेन, स्किन रैसेस, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डेंगू से रिलेटेड ही है। इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड डेथ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और डेथ भी इंसान का हो जाता है, क्योंकि डेंगू में एक्चुअली प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ट्रीटमेंट इज, नंबर वन यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, नंबर टू प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, नंबर थ्री सपोर्टिव केयर। इसका भी इलाज यही है कि हमें अपने आप को मॉस्किटो से बचाना है ना। मॉस्किटो को पनपने से रोकना होगा, है ना, अपने आप अपने बॉडी का खुद से ख्याल रखना होगा जिससे हम मॉस्किटो से अपने आप को बचा सकते हैं और इस डिजीज़ से भी अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है जो आपको वेक्टर्स की वजह से होता है, डैट इज चिकनगुनिया। इसके बारे में समझ लेते हैं, आप सब ने सुना होगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो आज आपको थोड़ा नॉलेज भी मिल गया होगा कि क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। नाउ चिकनगुनिया और मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज विच इज़ कॉज बाई चिकनगुनिया वायरस थ्रू द बाइट ऑफ द एडिस मॉस्किटो। ये भी एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ ही है जो चिकनगुनिया वायरस की वजह से होती है, और इसके लिए भी मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है एडिस मॉस्किटो। इट्स सिम्टम्स बिगिन 2 to 12 days आफ्टर इन्फेक्शन, इंक्लूडिंग फीवर, ज्वाइंट एंड मसल पेन, हेडेक, फैटिग, स्किन रैसेस। ओके, इसका भी सिम्टम्स जो है इन्फेक्शन के 2 to 12 days के बाद जो है दिखना शुरू हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, इसमें भी आपको बुखार लगेगा, ज्वाइंट पेन होगा, मसल पेन होगा, हेडेक होगा, फैटिग यानी कि बहुत जल्दी आप थक जाओगे, स्किन रैसेस आपके बॉडी पर क्या हो जाएगा, स्किन रैसेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके इलाज की, इसका इलाज क्या है, ठीक है। देखिए, मोस्ट पीपल फील बेटर विद इन अ वीक फॉलोइंग द ट्रीटमेंट, समटाइम्स द ज्वाइंट पेन मे लॉस्ट फॉर मंथ्स। बहुत लोग कुछ दिनों के इलाज में ही ठीक हो जाते हैं, है ना, सही से इसका दवा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ज्वाइंट पेन जो है महीनों तक रह जाता है, ठीक है। ओके, नाउ इट्स प्रिवेंशन इज यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स, नंबर टू अवॉइड गेटिंग बीटन बाय मॉस्किटो, नंबर थ्री प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। इसका इलाज क्या है,
वही सबके लिए वही है, जितने भी वेक्टर्स की वजह से डिजीज, यानी कि मलेरिया है, चिकनगुनिया है, आपका डेंगू है, सबके लिए हमें अपने आप को मॉस्किटो से बचा के रखना होगा, ठीक है। मॉस्किटो को पनपने से रोकना होगा, ठीक है, और मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज करना है ना, मॉस्किटो नेट्स यूज करना है, ये सारी चीज़ हैं जिससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ का मैंने फोर्थ पार्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है, और ये आपके डिजीज़ एंड हाइजीन का पार्ट फोर था जिसमें मैंने कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको शुरू कर दिया, और कम्युनिकेबल डिजीज़ में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका इस चैप्टर का मतलब डिजीज़ एंड हाइजीन इस चैप्टर का पार्ट फाइव में बनाऊँगा, जिसमें हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ ड्यू टू वायरस, ठीक है। तो वायरस की वजह से कौन कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है अच्छे से, ठीक है, और आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिली होगी, कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज भी मिला होगा, है ना, जिसमें आपको पता चला कि डिजीज़ क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं तो ये डिजीज़ क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिला होगा, आई होप सो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, है ना, और कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।